गाइस वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हो गया संडे एंड संडे को मैं शाम को हॉस्टल जा रहा हूँ क्योंकि इंडिया से एक नया बैच आ रहा है बच्चों का, तो उनको रिसीव करने जा रहा हूँ एंड उनकी मैं शिफ्टिंग कराऊंगा, उनको मैं रूम दिलाऊंगा, उनको मेस ज्वाइन करवाऊंगा, उनका सारा एडमिशन प्रोसेस करूंगा। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। इस ब्लॉग को आप कंप्लीट देखिएगा, काफी नॉलेजफुल वीडियो रहेगा ये आपके लिए जो नए बच्चे इंडिया से यूक्रेन स्टडी करने आना चाहते हैं MBBS के लिए। चलिए वीडियो से कंटिन्यू करता हूँ। सारे स्टूडेंट इंडिया से की पहुंच चुके हैं, अब यहां से बस से ये निकलेंगे और खरकीव आएंगे जहां पर इनकी यूनिवर्सिटी है, केनिवियन क्राइजिना यूनिवर्सिटी। सारे स्टूडेंट बस में बैठ गए हैं, बस खरकीव के लिए निकल चुकी है। सारे बच्चों को लंच दे दिया गया है और साथ में यूक्रेन का सिम भी दे दिया गया जिसे ये पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट कर सके। ये जो बस है वो डबल डेकर बस है, अपर एंड लोअर में कोविड को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस फॉलो की गई है। तो 5 आवर्स की ट्रैवलिंग के बाद बच्चे पहुंच चुके हैं खरकीव, अब मैं इन्हें हॉस्टल शिफ्ट कराऊंगा। तो अब मैं सारे स्टूडेंट को हॉस्टल की ओर लेके जा रहा हूं क्योंकि बड़ी बस थी ये हॉस्टल के गेट तक नहीं जा सकती, तो यहां से 2 मिनट्स इनको वॉक करना पड़ेगा। वेलकम टू यूक्रेन फ्यूचर डॉक्टर्स। एक्चुअली हमारे सारे स्टूडेंट जो हैं वो ऑल ओवर द इंडिया से हैं, वो सारे स्टेट से हैं, तो अगर आप भी एडमिशन चाहते हैं तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए एडमिशन के लिए। तो बच्चों को मैं हॉस्टल के अंदर एंट्री करा रहा हूँ, इनका डॉक्यूमेंटेशन शुरू होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे सब कैफे जो कि इंडियन मेस है, यहाँ पर बच्चों को पहले खाना खिलाया जाएगा, उसके बाद उनका फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। सारे स्टूडेंट को 1 by 1 हॉस्टल में एंट्री दिया जा रहा है डॉक्यूमेंटेशन करके, जिसमें इनविटेशन लेटर चेक होता है एंड RT-PCR टेस्ट चेक होता है ड्यू टू कोविड। तो सारे बच्चे एंट्री कर चुके हैं हॉस्टल के अंदर, अब इन्हें रूम शिफ्ट कराएंगे एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे सब कैफे जो इंडियन में से इनको खाना खिलाने के लिए। तो मैं अब सारे बच्चों को लेके सब कैफे आ गया हूँ जहाँ पर इनको इंडियन फूड दिया जाएगा क्योंकि अभी ये ट्रेवलिंग करके आ रहे हैं तो इन्हें प्रॉपर खाना मिलना जरूरी है। सारे बच्चे लाइन में लग के अपना अपना फूड ले रहे हैं। आप देख सकते हो वेजिटेरियन स्टूडेंट के लिए वेज आइटम है जैसे कि पनीर है, चपाती है एंड राइस है, एंड जो नॉन वेज है उनके लिए चिकन है, चपाती है एंड राइस है। विंटर इंटेक भी शुरू होने वाला है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है एडमिशन के लिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हमें टोल फ्री नंबर दिया हुआ है इसमें।